अभी हम पहुंच चुके हैं लियारी एक्सप्रेस। हाँ, और ये उर्वा की तबीयत खराब हो रही है, इसका तो यही मसला है उर्वा का, इसको बस उल्टी जैसा होता रहता है, है ना उर्वा? और होता नहीं है, फिर करती भी है ये। अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद। हम कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। ये देखें, ये पता नहीं किसने किया है, इतनी कलरफुल बिल्डिंग बनाई हुई है। ये सारों को बोला गया है कि कलर कर लो, सबने अलग अलग कलर कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा लगता है, इतना सा टुकड़ा दूर देखे ना अच्छा लगता है, रंग बिरंगे अच्छा लग रहा है। तो ये सारे वो घर है ना, बगैर प्लास्टर वाले और थे, तो इनमें कलर कर दिए, तो रंग बिरंगे कलर। पता नहीं कौन है ये लोग, है ना, कौन है ये लोग, शायद जाने पहचाने है ना। हाँ यार, ये देखे देखे लग रहे, देखे देखे लग रहे, कोई है ये, कौन है पता नहीं। कौन इंसान है ये, जाना पहचाना लग रहा है ये मुझे। और आज भाई सिंधी कल्चर डे है, तो ये देखें सबने सिंधी टोपियां पहनी हुई हैं, अजरक वाली शोले पहनी हुई हैं। विकी ने नहीं ली, आप भी ले लेते एक, ले रहे हो, हैदराबाद से ले लेना ये। हाँ, ये उतार लो ना, इसकी उतार के पहन लो। तो जी अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद, हैदराबाद अल मंजर, पल्ला मच्छी खाने, और इंशाल्लाह जाके रहे, वरना हमेशा यूं ही होता है कि जाते हैं और बीच में विकी बोलते रात होने वाली है, अब नहीं चलते, अब फिर कभी चलेंगे। नहीं, आज चलेंगे चलेंगे चलेंगे, आज तो सिंधी कल्चर डे है, जाके तो देखते हैं उधर क्या रौनक है। हाँ, हर दफा होती है, हम नहीं पहुंचते, इस दफा जाके देखते हैं इंशाल्लाह। तो जी एसी चला दिया हमने फिर से, अभी तो एसी क्या बंद किया ही था और शीशे खोले थे ने। हाँ, ये ब्रिज लग रहा है, इसलिए इधर ट्रैफिक है और हमेशा हम ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं, रोज का है ना, हमारी तो आदत बन गई है। गलत नहीं बोला था। हाँ, क्या बोला आपने? बोला ना, क्या बोला? रोजते है देखते। हाँ, आप तो हमेशा यही बोलते हैं, हैदराबाद जाने का होता है, आधे रास्ते तक आप मिल ही जाते हो। वो बोलना नहीं चाहिए, हमारे मुल्क है, हमारा ही सूबा है, हमारा ही शहर है, लेकिन जो ना रास्ता बहुत बोर है, बोर रास्ता है। हाँ, कोई खूबसूरती, कोई सूखा पुखा रास्ता है, कोई खूबसूरती वगैरह, पूरा मैदान है, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, आप पूरी रोड गाड़ी सीधी चला रहे हो। आपस में अगर कुछ बातचीत करो तो होगी, वरना आप तो बेजार होके पहुंचोगे। हाँ, ग्रीन करो, तो भाई साहब ये आ चुका है कराची, कराची के, कराची गेट, कराची गेट भाई, कराची टूल प्लाजा आ चुका है और हम बाहर निकल रहे हैं, कराची से एग्जिट कर रहे हैं और कराची छोड़ रहे। कल दिखाया ना आपको कि भाई हमने छोड़ दिया, हमने कल आपको दिखाया कि हमने जो है गांव में घर ले लिया है, तो आज हमारा सामान वामान हम पैक करने गए थे, वो सब पैक करके रख दिया है और अब हम जा रहे हैं हमारे घर, आज रात हम वही रुकेंगे, सामान हमारा रात को देर से वहां पहुंच जाएगा। कैसा लगा मेरा बता? तो भाई कराची से निकल चुके हैं, एग्जिट कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ, हैदराबाद पहुंचते हैं जल्दी जल्दी, कोशिश करते हैं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि मगरिब तक पहुंच जाए तो अच्छा है, तो कुछ मंजर मिल जाएंगे हमें देखने के लिए दरियाए सिंध के, वरना तो अंधेरा ही होगा, तो फायदा क्या, तो वही बरोई कढ़ाई जाना पड़ेगा सर। ये देखिए भाई, शीशे में हमें सनसेट होता हुआ नजर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बेरिया टाउन आने वाला है बाबूजी, बाबूजी बेरिया टाउन आने वाला है, और आज बेरिया टाउन में नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल सीधा जाएंगे, ये कैसा दोगला खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ, कभी बेरिया टाउन ले जाते, कभी हैदराबाद ले जाते। डायलॉग भूल गए बाबूजी, डायलॉग भूल गए, मैं ना जा रही हूं।
हमारे मोहल्ले में सब हमारे बाबूजी को सलाम करते हैं। बोले कुत्ता बना दिया इनको, इन लोगों ने कुत्ता बना दिया मेरे बाबूजी को। अभी आएगा आएगा, आता है आता है आता है आता है आता है, अभी आता है आता है, ये आ रहा है आ रहा है ये आ रहा है आ रहा है ये आ गया। अब काटा कर दूँ? नहीं 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 नहीं, अब काटा कर दूँ? 1 2 3 अब कर टाटा 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 आज हम नहीं आएंगे बाबूजी, नाराज है हम आपसे, आज हम हैदराबाद जाएंगे। पहले भूल जाता हूँ मैं तो कैमरा आता हूँ, भूल जाता हूँ क्या करती हो तुम भैया। हम आइन से औरत अल्लाह हम जा रहे हैं आगे आगे बुराक पर स्टॉप कर, नुकसान करवा दिया मेरा इस औरत ने, बोला बेरिया टाउन में नहीं जाना है, नुकसान करवा दिया 40 रुपए, वरना मैं बेरिया टाउन में जाता 60 रुपए का, अब 60 रुपए का नुकसान होता है। मैं बेरिया टाउन में जाता वहाँ पे कराची तक का टूल पे कर देता, फिर उसके बाद नई टिकट लेता तो बेरिया से काउंट होती, अब मुझे हैदराबाद जाके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये औरत ना पूरी वीडियो बनाती है, मैं बात कर रहा होता बीच में वीडियो स्टॉप कर देती है, मैं कहीं रुक रहा होता तो मना कर देती है यहाँ नहीं रुकना है, कहीं मैं नहीं रुकता हूँ तो बोलती है यहाँ रुकना था, फिर रिवर्स करवाती है। ये मेरी जिंदगी अजाब करके बैठी है ये औरत, मैं क्या करूँ। ये इसके पीछे जरूर किसी वो बहुत बड़ी साजिश का हाथ है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। ये मजदूर का हाथ है, कातिया की बहन है, ये मजदूर का हाथ दिखा दिया, ये मजदूर का हाथ दिखा दिया भाई, थोड़ा थोड़ा जो है ना सनी देओल में नाना पाटी करा जाता है, हैं? ये मजदूर का हाथ दिखा दिया, दिखा दिया भी जो है ना वो नाना पाटी करा जाता है। ये कलम वाली भाई, ये भाई ये कलम वाली भाई, ये नाना नाना आ जाता है, उम्र का तकाजा है। ये मजदूर का हाथ दिखा दिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। तू बोलता है मैं तेरे क्या बोलता है, बस भूल जाते हैं आप रास्ता एंजॉय करें। मैं जॉनी लीवर भी हूँ साथ में, भूला देख रहे हैं ये बुराक जो है ये टूल प्लाजा के बाद आता है, हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है, तो यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से फ्यूल भी डलवाएंगे और एयर प्रेशर भी चेक करवा लेंगे, थोड़ी देर यहाँ स्टे करते हैं, अकील भाई पीछे ही है वो आते तो फिर आगे बढ़ते, और ये बकरियाँ आ रही है देखें किस। भाई यहाँ से हवा डलवा ली बुराक के पंप से और पेट्रोल भी रिफिल करवा लिया, तो इतना काफ़ी है, तो अभी चलते हैं हैदराबाद की तरफ क्योंकि सूरज जा रहा है, पीछे आप देख रहे हैं सूरज जा रहा है, इससे पहले के ये चला जाए हम यहाँ से चलते हैं। ये आ गया जी डीएचएस सिटी का ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ये सारा DHS सिटी है, दोनों साइड है ना DHS सिटी। यहाँ ट्रकों की हालत कैसी हो जाती है, है? बिल्कुल वो हो जाते हैं बेबी स्टेप चलते। वहाँ से उस वक्त चढ़ाई के वक्त उधर से और यहाँ की चढ़ाई उतरते वक्त तो सारे वापस शेर बन जाते हैं, हटो बचो। तो भाई हमने जो है रास्ते में से ही आज ले लिया था नया थर्मोस बेगम के लिए, पिछला थर्मोस जो है इनका टूट गया था और दूसरा जो ये इस्तेमाल कर रही है वाइट वाला वो इनको पसंद नहीं आ रहा था,
तो बहुत बड़ा बड़ा और उठाने में परेशानी हो रही थी, तो ये हमने रास्ते में ले लिया आज। और इसमें अभी हम यहाँ से चाय दलवा लेंगे और इसमें फिर ये इस्तेमाल करेंगी, तो बहुत खुश हो रही है इनकी, ये बहुत खुश हो रही है, देखे इनकी शक्ल देखे बहुत खुश हो रही है, इनकी खुशी समाए नहीं जा रही है, इनको ये नया थर्मोस दिला दिया है, तो ये देखे रास्ते में ये सफर जारी है हमारा। ये देखे अकील भाई हमारे आगे ही चल रहे और मगरिब का वक्त हुआ जा रहा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था अंधेरा हो जाएगा हैदराबाद जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने बांध के रखी है कि नहीं जाना है जाना है जाना है, तो मैंने कहा चलो चलो चलो, तो जा रहे हैं अभी हम, पहुंचते हैं देखते कितनी देर में पहुंचते हैं हैदराबाद, तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर, देखते रहिए वीडियो को। और ये सामने का सीन देखे, वाह 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 वाह, ओहो ये देते ना चाय दलवाने के लिए रुकेंगे, तो कोई यूं नहीं कि यहाँ खड़े रहे वीडियो शीडियो बनाए, टाइम टाइम नहीं, चलो ये तो निकल गया आगे, चलो फिर यहाँ रुकते हैं, ये सदाबहार है, हम पीछे से रिवर्स लेते और चाय दलवाते हैं। तो जी विक्की साइलेंट मोड पर चले गए हैं, नहीं बोलोगे कुछ, कुछ भी नहीं बोलोगे, इन्होंने डाल लिया है अपना अपना, क्या बोलो तो सही, कुछ नहीं बोलोगे, बहुत शरीफ इंसान है, कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ मेरी सुनते हैं, सिर्फ मेरी और कुछ नहीं बोलते। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं हैदराबाद, ये देखे सामने, ये देखे आ चुका है टोल प्लाजा और हम पहुंच गए हैदराबाद पूरे एक घंटे, 5:35 पे हम वहां से चले थे और 6:35 हो रहे हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद और पूरे एक घंटे में पहुंचे हैं, ये हैदराबाद टोल प्लाजा है, यहाँ से अभी जो है हम टोल पे करेंगे और हैदराबाद सिटी में जाएंगे, और हमारा तो अल मंजर जाने का प्रोग्राम तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि अल मंजर का तो टाइम निकल गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। चलो भाई, ओ चलो भाई, कितने पे है, कितने पे है, ₹340 गए पड़ी है टोल, उस दौर में भी हम आते थे जब 250-250 लगते थे, 260-240 में आए, हाँ 240 वाले दौर से आ रहे हैं, पता 340 हो गए, सही है यार, इतने सालों में 100 रुपये बढ़े, बाकी चीज़ों में तो 500-500 रुपये बढ़ गए। चलो अब तो लाइट जला लो ना मोबाइल की। तो भाई हैदराबाद हम पहुंच चुके हैं और अभी इस वक्त गए हम इंडस रिवर के ऊपर, जो है आगे देखे जय सिंह वालों का वो जा रहे हैं, जुलूस जा रहे हैं, हिंदी कल कल दे रहे हैं, सारे सिंधी टोपी अधिकत वाले जो है सिंधी भाई सारे निकले हैं अपना जो है दिन मनाने के लिए, खुशी से झूमते गाते हुए आगे और भी नजर आते रहेंगे हमें। किसी को इस पुल पे बहुत डर लगता था, अब तो इस पुल की मरम्मत हो चुकी है, ये गिर जाएगा, क्योंकि देखो इतना पुराना ब्रिज और इसके ऊपर सारे लोडेड ट्रक खड़े हुए और ट्रैफिक तो भरा हुआ, यूं यूं हिलते रहे खाली ट्रक, पैदल चलते रहे, पुल की हालत बहुत खराब थी, पुल की हालत इतनी खराब
आदमी को खौफ याद आ रहा है कि अभी अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। अब तो ये माशाल्लाह सही हो चुका है, काम कर दिया है इसको। काम करा है, मरम्मत करी है, वे जॉइंट पक्के करे, वरना तो जॉइंट सारे खुल गए। अभी हम अल मंजर तो नहीं जा रहे क्योंकि अल मंजर का तो अब मंजर अल नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया। तो हम जा रहे हैं हैदराबाद सिटी के अंदर, वहाँ एक फेमस है दुल्हन पराठा, तो दुल्हन पराठा जाके ट्राई करते हैं। अगर मिल जाता है इस वक्त तो वहाँ जाके वो ट्राई करते हैं, वरना और भी चीज़ें होंगी तो बहुत सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। हम जाके देखते हैं अंदर शहर में कि क्या क्या है, क्या क्या मिलता है, तो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं वापसी कराची। तो जी ये हैदराबाद सिटी है और यहाँ कल्चरल डे की वजह से सब ने जो है अजरक और टोपी वाले कपड़े पहने हुए, सबका ड्रेस अब एक जैसा ही लग रहा है। ट्रैफिक भी काफी है और संडे का दिन है तो वैसे ही कल्चरल डे संडे को ही रखते हैं। हाँ, हर बार इतवार को ही होता है, हमने ये देखा है। ये यहाँ के कोई मॉल है, मॉल के अंदर रौनक लगी हुई है। फोर्ट्रेस आर्केड, फोर्ट्रेस आर्केड है, यहाँ पर जो है रौनक लगी हुई है और खूब जियाले नाच रहे, खूब मजे कर रहे। तो जी गाड़ियों पे भी शोले बोलेंगे ना, अजरक, हाँ, अजरक लगाई हुई है, अजरक गाड़ी को भी अजरक बनाते और जो है बिल्कुल 14 अगस्त की तरह मनाते। हाँ, अच्छा। जैसे हम 14 अगस्त मनाते इस तरह ये भी पुरजोश में मनाते हैं। इन लोगों ने लगाई है, आगे भी लगाई है अजरक की चादर और पीछे भी लगाई, ये इन्होंने भी लगाई है। हाँ, इन्होंने भी लगाई है। यहाँ भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सामने फोर्ट की जो है वो बनी हुई है। ये देखे कितना प्यारा लग रहा है, ये कैंट है। अच्छा, कैंट का एरिया है। कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर्स। जैसे 14 अगस्त और मनाते हैं हम, इस तरह यहाँ ये कल्चर डे ज्यादा मनाया जा रहा है। हालांकि हमारे कराची में जो है सिर्फ सीवीओ पर ही रौनक होती है, है ना? सिर्फ सीवीओ पर रौनक होती है, सीवीओ पर होती है और कहीं नहीं होती। ये बग्घी जा रही है, वरना हम कराची की सड़कें देखते हैं, आज हम हैदराबाद की सड़कें देखते हैं। आज हैदराबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये सामने पेंट बना है, अब आ गए अपन हैदराबाद के अंदर। अब ये छोटी छोटी गलियां और छोटे छोटे रोड होंगे, यहाँ पे जो है ट्रैफिक नहीं मिले तो अच्छा है। तो जी यहाँ इन गली पे, यहाँ तो मुझे सिर्फ मेडिकल नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ सारे जो है वही है अपने यहाँ, जैसे वो नहीं है कौन सा इलाका है, लकी स्टार है। हाँ, लकी स्टार पर भी इसी तरह है ना, सारे डॉक्टर, सर्जिकल दुकानें है। ये तो रोड नहीं है ना, ये भी रोड है, ये रोड ही होगा ना, कभी तो डबल रोड है, डबल रोड है भाई। अच्छा, हैदराबाद सिंध में जो है ना, हैदराबाद वगैरह ये संडे को खुले होते हैं। हाँ, और जुम्मे को बंद होते हैं। यही ये पूरी मार्केट है, ये खुली हुई है, यहाँ जुम्मे को छुट्टी होती है। ये रॉन्ग वे है, आगे से हमें टर्न करना है। ये कोई बड़ी शॉप लग रही है, रावी हलीम, यानी रावी दलीम एंड बिरयानी।
यहाँ रश भी है और आगे और भी शॉप्स हैं, और हमें जहाँ जाना है वो शॉप भी यहीं कहीं है, करीब में 900 मीटर दूर है। और मुझे ये यहाँ का सदर लग रहा है, ये यहाँ का मुझे भी सदर लग रहा है ना? लेकिन ये जगह का नाम है छोटी गिट्टी, छोटी गिट्टी, लेकिन होगा सदर ही जिस हिसाब से यहाँ चीजें पड़ी हुई है ना, मार्केट पूरी खुली हुई है। हाँ, मार्केट पूरी खुली हुई है और मार्केट पूरी जो है अपने सदर जैसी लग रही है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले शुरू में डॉक्टर आए, फिर ये अब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए। अब हमें हैदराबाद की गलियां घुमा रहा है और ये भी की इसी में लगे हुए, यही गली है आगे गली, कहाँ जाए, यही गली आगे गली। ये मार्केट एरिया है, यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह सब मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ बच्चों के कपड़े नजर आए हैं यहाँ, इस तरफ साइकिलों वाले। मतलब मेन मार्केटों में आ गए हम। मैप हमें घुमा रहा है और हम भी घूम रहे हैं मजे से, मजे से घूम रहे हैं। हम कब हैदराबाद घूमेंगे? हाँ। अखिल भाई लोग अलग ढूंढ रहे हैं, हम अलग ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगा वो। तो ये हमें बहुत गलत लेके जा रहे हैं। हाँ, गलियों गलियों में से लेकर जा रहे हैं ये हमें मैप। ये पूछते भाई से, भाई बात सुनो, ये पूछ रहे हैं, ये दुल्हन पराठे वाला किधर है? दुल्हन पराठे वाला जो मशहूर पराठा नहीं है, दुल्हन पराठे वाला यहाँ पर है कहीं करीब में, वहाँ पे होगा वो। चलो लेडीज के कपड़े मुझे नजर आए और मैं तो बहुत खुश हो गई, लेकिन ना विकी ने गाड़ी टर्न कर ली। हाँ, क्या आ गया? ये भाई सामने जो दिख रहा है, ये सामने है हाजी रबड़ी। तो चले हाजी रबड़ी तो विकी को दिख गया। हाँ। और दूसरा क्या है? बहुत ट्रैफिक है इधर और रोड भी टूटा हुआ है यहाँ का। ये हाजी हाशिम रबड़ी है, पतंग वाले। बहुत सी दुकानें मुझे नजर आई यहाँ पतंग वालों, पतंग यहाँ चलती होगी ना बच्चे। बात गलियां देखें आप, यहाँ गाड़ियां चल रही हैं। तो ये मासी हमें इधर ही घुमा रही है, इसी में घुमा रही है, वहां तक नहीं पहुंचा रही। तो ये गलियों में, इस गली से निकाल के इस गली में घुसाती है। ये खुद भी कंफ्यूज है, तो खुद भी कंफ्यूज है कि आखिर मैं करूं क्या, मैं कैसे समझाऊं। चौधरी बाबा अच्छा कया मौका खुद के समझना तो अच्छे। तो मच्छी मार्केट है। हाँ, ये मच्छी मार्केट, बड़ी बड़ी मछलियाँ और मछलियों की स्मेल। ओए गूगल आंटी हमें कहाँ ले आई है। हाँ, अज्जू बोल रहे पता नहीं कैसी स्मेल है। तो ये सामने मछलियाँ है भाई, और ये बर्तन मार्केट है यहाँ पर, ये शाही बाजार कहलाता है शायद। हाँ, शाही बाजार है। यहाँ सब्जियों वाले और ये सब, हमने पूरा हैदराबाद देख लिया। अबे भाई, यहाँ से गाड़ी जाएगी? तो भाई हमें तो मैप घुमा रहा है और उर्वा को पीनू खाने, तो उर्वा कह रही है मुझे यहाँ से पीनू दिला दो। आदिल भाई क्या हुआ, मिला आप? तो जी यहाँ से उर्वा के लिए पीनू ले रहे हैं, तो कोई और 100 रुपए के 1.5 किलो। चलो जहाँ कहीं जा रहे हो तो बताओ कहाँ आ रहे हो, तो हम भी वहाँ पहुँचते हैं। हम भी घूम घूम के थकते हैं, बाजारें पतली पतली गलियाँ हैं। फुल ट्रैफिक में फंसे हुए हम लोग, हमें कुछ समझ नहीं।
हमें तो नहीं मिल रहा, अभी हम वापस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी से उतर के बहुत अंदर पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम नहीं जा रहे। हमने यहाँ से सिर्फ कीनो लिए और अभी हम अखिल भाई और उनके पास ही जा रहे हैं। सोचते हैं कहाँ जाना है हमें। ओ भाई, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारा खाना पानी हमने निकाल लिया, बस अभी हम अपना निकाल रहे हैं, सब कुछ लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा रौनक कहेंगे इसको, रश तो नहीं कहेंगे, रौनक कहेंगे। हमें तो मजा आता है, मजा क्योंकि संडे सब एंजॉय करने निकले हैं अपना कल्चरल डे, तो पीछे तो बहुत सारी रैलियां भी निकल रही थी और लोग डांस भी कर रहे थे सिंधी गानों पर। और भाई निकालो यार जल्दी खाना, तो यहाँ अब जो भी खाना खाने के लिए रुके, कुछ भी खाने के लिए सोचिए, तो वहाँ ट्रैफिक इतना कि गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं, तो आदमी उतर के कैसे मालूम करेगा क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तो कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं है। अभी रास्ते में अगर कोई अच्छा मिलता है, यहाँ अभी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो रोक के लेते हैं, वरना जो है हम अपने साथ जो लाए हैं वही खा लेते हैं। तो हमारे साथ हम पुलाव लाए थे, ये देखे भाई इधर जो है सारे शॉपिंग वाले हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो ये बोलो शालीमार रेस्टोरेंट। ये रोड कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है, इससे कुछ उम्मीद जाग रही है कि हम बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लगा था हम अंदर कैद हो गए, क्योंकि रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। टर्न कर आए गली से निकल कर आए, दोबारा उसी गली में आ जाए, दो तीन गलियां घूम गए वापस उसी जगह पहुंच गया, मैप भी हमें उल्टा ही घुमा ही रहा था। अच्छा ये आ गए भाई, इधर सारे खाने वाले हैं, इधर चल के खाते हैं कुछ, पिज्जा हाउस है और दो तीन और भी खाने वाली चीजें हैं। चलो चलते हैं। ये देखे मैं पुलाव बना के लाई थी घर से, ये हमारा जो है जबरदस्त पुलाव, लेकिन अभी अगर कुछ मिल जाता है हमें बाहर तो अच्छी बात है। ये बच्चों ने दोपहर में पुलाव खाया है, तो बच्चे बोल रहे हैं हमें अभी पुलाव नहीं खाना। हमने यू टर्न ले लिया और यहाँ पर देखते हैं क्या मिल जाता है, क्या खाते हैं, रोक के अखिल भाई से मशवरा करते कि यहाँ का क्या ट्राई करें। सही है, गाड़ी लगाते आगे गई सही जगह पे। तो भाई इस वक्त आ चुके हैं हम A1 स्नैक्स, और यहाँ पर जो है ढूंढ ढूंढ के थक गए, अब यहाँ जाके ट्राई करते हैं इनका खाना कैसा है। बराबर में पिज़्ज़ा हाउस अखिल भाई, देखें अखिल भाई कहाँ खड़े, अखिल भाई भी यहीं कहीं है, ये आ गए अखिल भाई। आ जाओ हाँ भाई, हाँ बाहर ही बैठते हैं, अंदर बैठना बाहर ही बैठते हैं, बाहर ही। तो जी ये हम हैं A1 स्नैक्स, और ये कौन सी जगह कहलाती है, जगह का नाम मुझे नहीं पता है, हैदराबाद में, हैदराबाद की ये कौन सी जगह है नाम नहीं पता मुझे, ये नाम हम पूछते भाई आता है तो उसके नाम पूछते। बाकी ऑर्डर दे दिया है हमने, ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन रोड पर ही है, हमने गाड़ी आगे पार्क कर दी, यहाँ तो अभी खाली हो गया, यहाँ तो खाली हो गया, मैंने गाड़ी बहुत आगे रखी, गाड़ी ले आता हूँ यहाँ। चलिए भाई मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ये लोग यहीं बैठे हुए। ये ठंडी सड़क कहलाता है इलाका, ठंडी सड़क कहलाता है, और ये हाईवे वाला रोड है, यहाँ से सीधा कराची के लिए हम हाईवे पकड़ेंगे। ऑर्डर दिया हुआ है, बस थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाता है तो खाना खाते हैं, घर को चलते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा दिल था कि शहर के अंदर हमें जैसे अंदर में ही कुछ मिल जाता ना फूड स्ट्रीट का, तो मज़ा आता, लेकिन चले उस वक्त ट्रैफिक और रश बहुत था और आए भी कुछ ऐसे टाइम पे थे। बाकी ये जो है ट्रैफिक की वजह से थोड़ा तंग हो गए, बाकी तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। तो हैदराबाद भी बहुत सारी गलियों को भी हैदराबाद की रौनकें देखी, और सिंधी कल्चरल डे था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हर जगह जो है इनके जो है फेस्टिवल चालू थे। अभी बस थोड़ी देर में ऑर्डर आ रहा है, पीछे आप देख रहे हैं। ये जी आ गया हमारा ऑर्डर,
ये तुर्किश कबाब, और बच्चों ने मंगाए रोल, और साइम का बर्गर आने वाला है। साइम बर्गर कैंसिल हो गया, चलो मम्मा को बुलाओ, मैडम खाओ, भाभी को दो। भाई अरीज और रुआ ने रोल मंगवाए थे, और साइम के लिए जिंगर जिंगर बर्गर, तुर्किश कबाब मंगवाए, ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पराठे के साथ। चटनी बहुत अच्छी है, उनकी चटनी बहुत अच्छी है। अब ऐसे ही रुके कबाब का टेस्ट करते, रुके रुके कैसे बीफ के हैं। अच्छे यार तुर्किश कबाब, अच्छे। तो भाई खाना जबरदस्त है, अच्छा है टेस्ट में। तो खाना फिनिश करता हूँ और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई खाना फिनिश कर लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, और कबाब तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्ट राइड। अगर कभी आते हैं हैदराबाद तो ठंडी सड़क पे A1 स्नैक्स का तुर्किश कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो पराठे के साथ, और इनकी जो ज़बरदस्त है ना ये चटनी, ये जो चटनी है, इनके सॉसेज है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो बस अभी बच्चों ने जो है, देखो ठंड के मौसम में भी जो है सोडा नहीं छोड़ा, तो सोडा मंगवाया इन्होंने। ये सोडा वगैरह इनके आ जाए तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और बिल भी जो है नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मली प्राइस है, और टेस्ट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ टेस्ट बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह मस्ट ट्राई है, कभी भी आए तो यहाँ ट्राई कीजिए। ये आ गए इनके सोडा, साहिब का ब्लूबेरी, अरीस का रेड एप्पल। कैसा है अरीस? अच्छा है साहिब, सही है, मुझे भी ऐसा ही लगा, नॉर्मल है, सोडा तो ऐसे एवरेज है। दे मेरे खाने, ये अच्छा है, ये कौन सा का? रेड एप्पल, अरीस का रेड एप्पल है, और वहाँ का गोल्डन एप्पल, साइम का ब्लूबेरी है। चले भाई सोडा वाला भी आ गया, अब इसको पैसे देते हैं और अभी हम चलते हैं यहाँ से। ये कल्चर डे के मौके पर देखें गाड़ी कैसी सजाई है उन्होंने, गाड़ी देखें, ये देखें। गाड़ियाँ कैसी ज़बरदस्त सजाई हैं, सारा सिंधी कल्चर का इसके ऊपर सब नुमाया किया गया है, सिंध की सकाफत का सारा कुछ नुमाया किया गया है। सिंधी टोपी, अजरक, और हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट, और ये ड्रेस, बच्चों का ड्रेस, बहुत ही ज़बरदस्त। मोर बनाया है, तो हमारी फैमिली आगे रुकी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखा, तो वीडियो बनाने रुक गए, तो चले। और वह अच्छा है, अच्छी बनेगी ना, मोर बनाया है करोला के ऊपर। करोला सिविक है, सिविक है, सिविक को खूब सजाया है, ये देखें इसके ऊपर। ये सारा हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, इन्हीं का है ये सारा। खूब रौनक लगी हुई है, अभी भी रात के 10 बजने वाले, पौने 10 हो रहे हैं, और रौनक देखें माशाल्लाह। और ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पर, कराची से ज़्यादा है मौसम ठंडा है। तो आए चलते हैं फैमिली के पास अपनी, हैं 12-1 बज जाएगा हमारा पूछते पूछते। आखिरकार हम पहुँच गए हाईवे की तरफ, और ये बाईपास का रोड है, और यही अच्छा होता है कि हम बार बार से हैदराबाद को देखते हैं ना, बार बार से देखते हुए जाते हैं, हैदराबाद आप पहुंच गए, अंदर बहुत छोटी गली है, बहुत ज्यादा अंदर घूमना पड़ता है।
तो ये बहुत सी चीजें बन गई है यार यहाँ पर। ये वही चेस वाला रोड है ना, मॉल वाला। हाँ, बहुत सी चीजें बन गई है। बहुत अच्छा शहर है हैदराबाद, बहुत बार आए गए हैं। लेकिन इस दफा हमने वो लोकेशन डाल दी ना, तो मैप हमें सीधा सीधा ले गया और अंदर ब्रिज के नीचे से घुमा फिरा के लेके गया। हालांकि हमें पता था हम हर बार यहीं से आते हैं, हर बार यहीं से आते हैं, क्योंकि वहीं से यू टर्न लेते हैं अल मंजर वाले कट से और इधर से यू अंदर चले जाते हैं और उधर मार्केट में निकलते हैं। ये अलकील भाई क्या कर रही है? छा दियो चले। आप लोग ₹340। अब यहाँ से घर जाते हैं। हैदराबाद की गलियाँ खूब घूमी हमने। मोरे अकील भाई, और अकील भाई मोरे नजर आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो जी चले अल्लाह हाफिज करते हैं। चले भाई, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का दिन जो है हमने ऐसे ही गुजारा। हैदराबाद में मजा आया, हैदराबाद की गलियां देखी। मजा ज्यादा इसलिए आया कि गर्मी नहीं थी, मौसम ठंडा है, इसलिए हैदराबाद में आदमी घूम सकते हैं। गर्मियों में जाए तो बिल्कुल नहीं घूम सकते। तो चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी और ब्लॉग में। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें किस तरह सोए हुए हैं ये लोग।